हाजी महबूब और सैयद कासिम रसूद इलियास ने जो मुकदमा हम पर दायर करवाया, उसमें जो माननीय कोर्ट ने आज कहा है कि हमारे वरिष्ठ नेता तथा मैं, हम पर अब आपराधिक मुकदमा चलेगा। साजिश की हमने और उस साजिश के लिए हम पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। मेरा यह कहना है कि कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। मेरे तो मन में वही था, वही मेरे वचन में था, वही मेरे कर्म में था। मेरे मन वचन कर्म एक थे, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ मैंने राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी करी है। अब वकील कोर्ट में क्या जिरह करते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूँ। मुझे राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी के लिए हमेशा गर्व रहा है। मैंने तिरंगे के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी। मेरे लिए राम मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण हो, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं अवश्य करूंगी। इसलिए पहली बात तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि साजिश का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो सब खुल्लम खुल्ला था, मन में वचन में कर्म में एक ही बात थी, साजिश करने की जरूरत ही नहीं थी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और उसी की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ बैठी हुई है। हम दो से आज सरकार बनाने तक की जो पोजीशन में आए, उसमें राम मंदिर आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही। इसके अलावा जो ये बातें हैं कि दो साल में हो, मैं तो कहती हूँ कभी भी हो, मुझे फांसी हो जाए, मुझे जेल हो जाए, अयोध्या के लिए, गंगा के लिए, तिरंगा के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ना मैंने कभी खेद व्यक्त किया है, ना मैंने कभी माफी मांगी है। मैंने हर बात को बिल्कुल स्पष्ट कहा है। बाकी वकील हैं, कोर्ट में लड़ेंगे, हमारे जो वकील होंगे वो अपनी बात कहेंगे। मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी।